हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक और ट्रेंडिंग रील का ट्यूटोरियल लेकर आ चुके हैं। तो आप लोग भी जो अपनी इंस्टाग्राम पे इस तरह की रील बना करके वायरल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए मैं एक ऐप की ज़रूरत होगी जिसका नाम है VN। तो VN ऐप को ओपन कर लेना, आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो मैं अपने VN ऐप को ओपन कर लेना। तो VN ऐप को ओपन करते इस तरह इंटरफेस आएगा, नीचे प्लस का आइकन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना। तो मैं इस प्लस के आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद हमें क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देने के बाद हमें क्या करना है, वीडियो जो है फोटो वाले ऑप्शन पर चले जाना है। फोटो वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद हमें क्या करना है, तो मैं फोटो वाले ऑप्शन पर चले जाता हूँ पहले तो। और उसके बाद जो किसी भी फोल्डर में जा करके अपनी जो है एक फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी इनमें से, और ब्लू कलर का एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ऊपर ओरिजिनल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। देखिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर 9:16 वाला रेशो है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आएगा पीछे, इनपुट टाइटल वाला, इसे डिलीट कर देना है। ठीक है, वरना वीडियो में ऐसे ही रह जाएगा पीछे। ठीक है, तो उसके बाद हमें फ़ोटो पे क्लिक करना है, और जो है फ़ोटो की जो है ड्यूरेशन को बढ़ा लेना है। ठीक है, तो मैं फ़ोटो की ड्यूरेशन को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, 7-8 सेकंड तक कर लेना, 8 सेकंड तक कर लेना हमें फ़ोटो की ड्यूरेशन को। और उसके बाद एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा यही है। तो वीडियो सॉरी फ़ोटो को जो है वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप हमारा यही होगा। तो इसे कन्वर्ट करने के बाद हमें सिंपली बैक चले आना है। तो मैं जो बैक चले आता हूँ, बिल्कुल बैक चले आना है आप लोगों को, जहाँ से हमने जो VN ऐप ओपन किया था वहाँ पर आ जाना है। ठीक है, तो बिल्कुल बैक आ चुका। तो उसके बाद फिर से जो है हमें प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है बैक आ जाने के बाद, और फिर से न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो अभी हमने वीडियो एक्सपोर्ट किया है उस वीडियो पे क्लिक करना है, और इसे वीडियो को ऐड कर देना है। ठीक है, एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वीडियो को ऐड करने के बाद तो हमारे जो वीडियो ऐड होकर के आ जाएगी। उसके बाद ऊपर ओरिजिनल वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, 9:16 वाला रेशो ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद पीछे ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐसे डिलीट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें एक म्यूजिक ऐड करना है। ठीक है, तो आप लोगों को टैप टू ऐड म्यूजिक वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए टैप टू ऐड म्यूजिक वाला, तो इस पर क्लिक करना है। तो टैप टू ऐड म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद म्यूजिक पर क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर प्लस का आइकन देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो प्लस के आइकन पर क्लिक कर देने के बाद जो हमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो थर्ड नंबर पर मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक रील का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड करना है, तो वही यहाँ पर आ जाएगी वो। तो सिंपली आप लोग क्या करना है, उस पर टैप करना है। ठीक है, तो उस रील पर टैप करते इस तरह इंटरफेस आएगा। तो नीचे आप लोगों को ये ओके वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑडियो एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगी, यहाँ से चूज करके डन कर देना है यहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी वीडियो सॉरी ऑडियो एक्सट्रैक्ट होकर के यहाँ से आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो है हमें जहाँ तक हमारी ऑडियो है वहाँ तक इस वीडियो को रख लेना है। तो इस नीचे स्प्लिट वाला ऑप्शन है कैंची वाला, इस पर क्लिक करके ये वाला पार्ट जो है डिलीट कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है। तो हमने जो है सॉन्ग में बीट मार्क लगा रखे हैं, तो मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर है। सॉन्ग पे क्लिक करना है, बीट्स वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और बीट मार्क तो आप लोग पता ही कैसे लगाना है, ये फ्लैग वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो बीट मार्क लग जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए था तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो फर्स्ट बीट मार्क है यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है 1.30 सेकेंड पर, ठीक है, तो 1.30 सेकेंड पर फर्स्ट वाला, और सेकंड बीट मार्क है 2.34 सेकंड पे, और जो थर्ड वाला बीट मार्क है 2.89 सेकंड पे, और जो फोर्थ वाला बीट मार्क है 3.36 सेकंड। ठीक है, उसके बाद पाँचवा है 3.82। ठीक है, उसके बाद पाँच छठा है 4. अब तो देख लेना स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं। ठीक, 5.36 सेकंड, 8, 9 नंबर वाला है 5.95 सेकंड, और दसवा है 6.30 सेकंड, 11वां है 6.79 सेकंड, और जो 12वां है वो है 7.24 सेकंड। ठीक है, तो ये बीट मार्क ही आप लोग लगा लेने हैं। ठीक है, लगाने के बाद यहाँ से डन कर देना है। ठीक है, तो मैं इसे डन कर देता हूँ। तो उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, लगाने के बाद फर्स्ट बीट मार्क क्लिक करना है, नीचे स्प्लिट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और इसे जो है स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद सेकेंड बीट मार्क पर क्लिक करना है, नीचे स्प्लिट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर स्प्लिट कर लेना है। तो ये ऐसे ही हमें एक एक करके सभी भी बीट मार्क पर क्लिक करके देखिए कुछ इस तरह से स्प्लिट कर लेना है। ठीक है, तो मैं फटाफट से आप लोगों को स्प्लिट करके दिखा देता हूँ। ऊपर बीट मार्क पे क्लिक करना है, नीचे स्प्लिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सभी पार्ट को स्प्लिट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने जब कर दिया, उसके बाद देखिए हमें क्या करना है,
तो सिंपली जो फर्स्ट के जो दो पार्ट हैं, ठीक है, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाले में आप लोग क्या करना है, एक फर्स्ट वाला एक सेकंड वाला, इनमें हमें छोटे छोटे पार्ट में हमें इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को हमें इस तरह छोटे छोटे पार्ट में सप्लिट कर लेना है, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे सप्लिट वाला ऑप्शन आए दबा देना, ठीक है, थोड़ा आगे करेंगे सप्लिट वाला, ठीक है। तो मैं फटाफट से ये सप्लिट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। देखिए सप्लिट कर देना है छोटे छोटे पार्ट में फर्स्ट वाले पार्ट को, ठीक है, जहाँ तक हमारा फर्स्ट बीट मार्क है। तो मैं इसे कर देता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो देखिए हमारा ये लगभग कट हो चुका है फर्स्ट वाला पार्ट। इसे कट करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले इसके पार्ट को छोड़ना है, सेकंड वाले पे आना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक फ्लिप वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ये रहा। तो इसे फ्लिप कर देना है, ठीक है। तो मैं इसे जो है फ्लिप कर देता हूँ। उसके बाद एक पार्ट को फिर से छोड़ देना है और उससे अगला जो पार्ट होगा, एक फ्लिप हो गया तो इससे अगले पार्ट पे आने में इसे छोड़ देना है, इससे अगला पार्ट होगा इसे फ्लिप, एक छोड़ना है और एक फ्लिप, एक छोड़ करके पार्ट अगला फ्लिप, ठीक है। तो इसी तरह से हमें सभी पार्ट में कर देना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, एक छोड़ करके एक फ्लिप कर देना है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से हुआ ये, ठीक है। देखिए इतना कर देने के बाद हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट वाले पार्ट पे क्लिक करना है, लास्ट में जूम वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जूमिंग लगा देना है। तो जो से भी पार्ट हमने एक एक छोड़े थे जो फ्लिप नहीं किए हुए थे, तो सभी में हमें जूम इन वाला लगा देना है, ठीक है। इसे फ्लिप को है इसे रहने देना, इससे अगला जो पार्ट है जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जूम इन, ठीक है। इसे फ्लिप किया, इससे अगला पार्ट है जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जूम इन, ठीक है। तो इस तरह से सभी पार्ट में कर देना है, ठीक है, जूम इन वाला लगा देना है जो से सीधे पार्ट है हमारे, ठीक है। और जो हमने फ्लिप किया है उसे ऐसे रहने देना है, ठीक है। तो मैं फटाफट से इन्हें जो है जूम इन कर देता हूँ। तो देखिए आप लोग देख पा रहे हैं जूम इन कैसे करना है आप लोगों को, देखिए अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो हमारा जो है फर्स्ट पार्ट का जो ये काम है इतना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें सेकंड वाले पार्ट पे आना है, इसे भी हमें पहले छोटे छोटे पार्ट में सप्लिट कर लेना है, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, आप लोग देख पा रहे हो कैसे करना है आप लोगों को। तो मैं फटाफट से आप लोगों के करके दिखा देता हूँ। ऐसे तो जो हमारे वीडियो पहले ही बहुत लंबी बन चुके हैं, तो ऐसे हमारी जो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी कारण मैं थोड़ा वीडियो को यहाँ से फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग देख लेना कैसे करना है सप्लिट। तो मैंने जो लगभग सेकंड पार्ट को भी जो है सप्लिट कर ही दिया, ठीक है। तो सप्लिट करने के बाद देखिए इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। इसमें भी लगभग सेम ही है काम, बस फ्लिप की जगह मिरर करना है, ठीक है। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे मिरर वाला, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। एक पार्ट छोड़ना है, उससे अगला जो पार्ट है मिरर, ठीक है। फिर से एक पार्ट छोड़ देना है, उससे अगला पार्ट मिरर, एक पार्ट छोड़ना है, उससे अगला पार्ट मिरर। तो इसी तरह से हमें सभी में कर देना है, एक पार्ट छोड़ के उससे अगला पार्ट जो है मिरर कर देना है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कैसे करना है, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे करने हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद इससे अगला जो थर्ड वाला पार्ट है, इसमें जो हमें एफ एक्स ऐड करना है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है और एफ एक्स वाले ऑप्शन पर चले जाना है। एफ एक्स वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद हमें इसमें जो है जिटर डाउन वाला एफ एक्स लगा देना है, ठीक है। तो मैं जिटर डाउन वाला लगा देता हूँ, कोई देखिए। तो जिटर डाउन वाला एफ एक्स लगा देने के बाद यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। डन कर देने के बाद देखिए अभी हमें जो ये प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक जूम वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद जो ये अब नीचे अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो अप्लाई टू ऑल कर देना है, तो ये जो है सभी में लग जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसमें एफ एक्स लगाया था, तो इससे अगले जो पार्ट है इस पर क्लिक करना है, इसमें भी एफ एक्स लगाना है। तो आप लोग कोई से भी एफ एक्स लगा सकते हैं, तो इसमें जिटर वाला लगा देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अगले पार्ट पे क्लिक करना है, एफ एक्स वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर आप लोग फिर से जिटर डाउन वाला लगा सकते हैं, ठीक है। इससे अगले पार्ट पे क्लिक करना है, एफ एक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर फ्लैश वाला लगा सकते हैं, ठीक है। इससे अगले पार्ट पर क्लिक करना है, एफ एक्स वाले ऑप्शन पर जाना है और इसमें जो आप लोग कोई सा अलग एफ एक्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं शेक वाला लगा देता हूँ, ठीक है। शेक वाला जो ये एफ एक्स है ये वाला, ठीक है, इस पर क्लिक करके ये लगा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इससे अगला जो पार्ट है इस पर क्लिक करना है, एफ एक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसमें जो है जिटर डाउन वाला लगा देना है फिर से। और उसके बाद इससे अगले पार्ट पे क्लिक करना है, एफ एक्स वाले ऑप्शन पे जाना है, फ्लैश वाला लगा देना है, ठीक है। उसके बाद इससे अगला पार्ट है इस पर क्लिक करना है, एफ एक्स वाले ऑप्शन पे जाना है और इसमें जो है जिटर वाला, ठीक है। इससे अगला जो पार्ट है इस पर क्लिक करना है, एफ एक्स वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर जो है जिटर डाउन वाला लगा देना है, ठीक है। उसके बाद इससे अगले जो पार्ट है इस पर क्लिक करना है, इसमें जिटर डाउन वाला और लास्ट में कोई सब लगा सकते हैं वो, तो फ्लैश वाला लगा देता हूँ मैं, ठीक है। और पीछे जो नॉइस आ रही है प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा।
तो क्या ना रिकॉर्डिंग करने की जगह नहीं है, ठीक है, तो नॉइस को अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे ध्यान दीजिएगा पूरा। तो इतना कर देने के बाद हमें क्या करना है, तो देखिए जो हमने फ्लिप किया था फर्स्ट में पार्ट, ठीक है, उनकी तरफ आना है, फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर एक ब्लैक एंड वाइट वाला F7 वाला इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जितने पार्ट हमने फ्लिप किए थे तो सभी को ब्लैक एंड वाइट कर देना है, ठीक है। तो मैं आप लोग करके दिखा देता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से। तो सभी को जो है ब्लैक एंड वाइट कर देना आप लोगों, जितने पार्ट हमने फ्लिप किए थे फर्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है, आप लोगों को याद ही होगा। तो मैं कर देता हूँ फटाफट से, देखिए जिस तरह से करने हैं आप लोगों को, तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह कर देने के बाद देखिए हमें क्या करना है, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, सेकेंड वाले पार्ट का तो काम पूरा ही है। उसके बाद देखिए हमें जो है जहाँ से मैं FX लगाया था इस पर आना है, और नीचे जूम वाला ऑप्शन है लास्ट में, इस पर क्लिक करना है, फर्स्ट वाले में जूम इन, और इससे वाला जो पार्ट है इस पर क्लिक करना है जूम वाले ऑप्शन पर जूम आउट, और इससे वाला जो पार्ट है इस पर क्लिक करना है जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है मूव, फिर से जूम ही लगा देना है, ठीक है, और उससे अगला पार्ट करके फिर से जूम आउट, और इससे वाला जो पार्ट होगा इस पर क्लिक करना है जूम वाले ऑप्शन पे मूव लेफ्ट, और इससे अगले में मूव राइट लगा देना है, ठीक है। तो मैं मूव राइट लगा देता हूँ, ठीक है। और इससे अगला पार्ट होगा फिर से जूम आउट, फिर इससे अगला पार्ट है फिर से इसमें जूम इन, और फिर इससे अगला पार्ट है जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है मूव लेफ्ट, इससे अगला पार्ट है फिर से मूव राइट, और लास्ट वाले में जूम इन, ठीक है। तो देखिए हमारा पूरा हो चुका है वो काम। तो एक और काम बाकी है हमारा, ठीक है। तो ये जो FX वाले पार्ट है पहला, दूसरा, और जो तीसरा पार्ट आएगा तो इसे हमें मिरर कर देना है, ठीक है। देखिए तो नीचे मिरर है उसने, इस पर मिरर कर देना है, ठीक है। फिर दो पार्ट छोड़ने, देखिए मिरर था ये दो पार्ट छोड़ दी, इससे वाला जो पार्ट है फिर से मिरर, ठीक है। फिर दो पार्ट छोड़ दिए, इससे वाला अगला पार्ट है मिरर। तो इतना कर देने के बाद जो हमारा रील बनकर तैयार हो चुका है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए हमारी जो है रील बनकर बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। तो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।